देसी टॉक, अपन बात, अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद आपका। बात की शुरुआत करते हैं, आपके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई से? मैं अपन गांव के सालामा पढ़े रहे हूँ। छोटा कन रही, दो कमरा के। तो कभी कभी ज़्यादा हो जान तो पासेज में पीपर के झाड़ रही, ओखर नीचे भी पढ़े हाँ। कोनो ऐसा शिक्षक जिन आपला याद हो वो समय, स्कूल के समय में जिन आपला प्रेरणा दे हो कि आगे बढ़े पर जिन शिक्षा दे हो? वैसे तो प्राइमरी स्कूल में तो प्राथमिक स्कूल में सब टीचर अच्छा लगत रही और सब ऐसे डर और लगत रही, नटखटी बहुत करत रह। कोनो ला छेड़ना, कोनो ला कुछ करना, ऐसे करना तो मोला तरह तरह की सजा मिले। एक ठे सजा जिन सबसे खराब लगी मोला प्राइमरी स्कूल में, एक दिन गुरुजी बोली से मानबे नहीं करे लड़का, पढ़ लेते पहले तो याद हो जाते अकेला, फिर बाकी मन ला डिस्टर्ब करत रही थी। तो कैसे करो कैसे करो, तो हमार लड़का मन के अलग लाइन रहीस और टोरी मन के अलग लेन रहीस। तो मोला दो टोरी के बीच में बैठा दीस। अरे और पहली कक्षा के बच्चा दो टोरी के बीच में बैठ गया तो मोला ऐसे लगा कि भगवान कैसे यहाँ पहुँचा दे मोला, न एती कर सकूँ न ओती कर सकूँ। और दोनों टोरी में से उम्र में बड़े नहीं, हंसा खिलखिल खिलखिल कराए और मोला कुछ बोला नहीं बनाए। कि जैसे मोला जहाँ तक ध्यान है कि एक बार गांव में एक कलेक्टर साहब आईन और जो उनका रुतबा रही से बोला देख के बड़ा प्रभावित हो, वहीं से यू टर्न लीस जिंदगी है। सब तैयार होके धोती कुर्ता तान के एकदम स्टेशन जावत नहीं तो मुहूर्त लगी से यार कैसे कौन आदमी आते देखे बार चलो। तो गेंद तब बढ़िया रेबन के चश्मा पहने रहीस। अच्छा। और गोरा चिट्टा रहीस, ओखर पारसी रहीस, हीर जी नाम ओखर रहीस। अच्छा। बोमी हीर जी बड़ सुघर दिखा, बहुत सुंदर, जैसे फर्स्ट क्लास के डिब्बा में उतरीस, वो समय ऐसी नहीं होती, फर्स्ट क्लास के डिब्बा से उतरीस तो सब हमार बड़े बड़े सियान जेकर गोड़ हमन छुअन वो सब ओखर गोड़ छुआ। अच्छा। मोला लगे यार ये कैसे आदमी है, नौजवान आदमी और सब सियान मन खर गोड़ छुआ थे। तो का है तो मैं पूछूं कोनो कौन सी का चीज है? अरे तेन जाना जिला के माई बाप है, कलेक्टर है। तो मैं कह मन मन के हूँ यार ये तो बढ़िया है, नौजवान आदमी और सब बुजुर्ग सियान उनखर गोड़ छुआ थे। तो मोहूला इसने चुबनना है ऐसे मोला लगी। तो मैं फिर पूछे पर चालू करें कि भाई कैसे बनते हैं कलेक्टर। एक बहुत बढ़िया गुरुजी तब हाई स्कूल में मिली। अच्छा। ओखर नाम रही श्री काठपतवाल। अच्छा। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। मोला मोला लगते कि मोला सही दिशा में ले जाए कि वही प्रयास करीस, वही मोला आई एस शब्द बताईस और मोला थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करे कि थोड़ा अंग्रेजी पढ़। हमार अंग्रेजी बहुत कमजोर रहीस, काबर हिंदी हिंदी मीडियम में पढ़े रहे, आई एस में हिंदी मीडियम नहीं रहीस, अंग्रेजी मीडियम में होत रहीस। तो बोलीस बेटा तुला आई एस बढ़ना है तो अंग्रेजी ल सुधार। तो मोला ओखर घर में अंग्रेजी के पेपर आए तो मैं पुराना पेपर ल मोला दे दे पढ़े बार। वो समय में बड़ मुश्किल लगत रही, मैं डिक्शनरी लिख के रख के पढ़ो, भार्गव के डिक्शनरी अंग्रेजी हिंदी होते हैं तो जन समझ में ना आए तो देखा। हाँ तो एक पेज पढ़े में समझ ले एक घंटा लगा। पर मोर अंग्रेजी सुधारे के काम भी वहीं से चालू। अच्छा। इंजीनियरिंग की तरफ आपके झुकाव कैसे हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके प्रवेश कैसे हुई? हम गणित में पढ़े रहे, गणित अच्छा रही तो सब लोग मालूम रही, गणित पढ़ते बोला इंजीनियरिंग जाना है। और हमार गांव से दूठे कॉलेज नजीक में नहीं, एक रायपुर के एक जबलपुर के, उस समय बिलासपुर कॉलेज नहीं रही इंजीनियरिंग के। तो मैं दोनों जगह के आवेदन करे रहे हूँ। पर मथुर प्रसाद दुबे जी हमारे यहाँ से कोटा के विधायक मंत्री रही। अच्छा। हमारे क्षेत्र पढ़े तो हमार स्कूल में बांटे बन रही
इनाम देवर आइस तो मोला कई ठे इनाम मिलिस। अरे हाँ आज हम तोला बहुत पुरस्कार दे हन हिंदी बोलिस आओ का करे के राधा तो तो मैं कहूँ मैं रायपुर आऊँ जबलपुर इंजीनियरिंग पढ़ा था पढ़े बर कोशिश करा था। अरे तो नंबर तो आते कहूँ हो जाए पर छोड़ न जबलपुर जाना है न रायपुर जाना है। हम नवा इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं भारत शासन के भोपाल में मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नवा बना थे और वहीं पढ़ ये कॉलेज में कोई कुछ नहीं रखे और मोर बाबूजी लोग बोले चिंता मत करबे भोपाल दुनिया पढ़ते तो कोई चिंता की बात नहीं है मैं वहीं रहता हूँ जब लड़का लोग को तकलीफ हो ही था मोर से मिल सकते। अगर मैं भोपाल नहीं गए होते ना तो वहाँ जाग जन आईएएस आईपीएस के रुतबा देखा हूँ निकले तो ये सैल्यूट मारा है वो सैल्यूट मारा है वो गोड़ छुआ है ये गोड़ छुआ है नरोना जी की तो व्यक्ति तो बिल्कुल जिला का संस्थान आईसीएस अधिकारी रही और ओखर यहाँ मुख्यमंत्री मिले जाए अच्छा। वो जमाना वो मुख्यमंत्री से मिले नहीं जाते रही ओखर इतना रुतबा रही रुतबा रही तो तब बोले लगी सी यार वही जन मुला काठपताल जी का रेस और हीर जी लजन देख रहे हो ये बड़े मन के ऐसे मन थे और सब आई असल देखा तब मोला फिर लगी इसकी अब कुछ भी हो जाए इंजीनियरिंग तो करा हमारा तो ठीक ठाक नंबर ला के यूनिवर्सिटी में पहला आ गया हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद कैसे आगे की पढ़ाई करे आप इंजीनियरिंग में जैसे मोर मन में तो आगे रही कि आईपीएस आईएएस बनना है दुर्भाग्य से वो समय आईएएस की उम्र 21 साल कम से कम और आईपीएस के 20 साल मैं दोनों के बीच में रहूँ तो पहली परीक्षा में मैं आईएएस में नहीं बैठ सका मुझे आईपीएस में बैठना पड़ी वो आसान भी पड़ी बहुत अच्छा हो गया। वो समय इंजीनियरिंग मेडिकल के किताब बहुत महंगा बहुत महंगा और गरीब आदमी लेना मुश्किल रही तो बेचारा वो अग्रवाल जी मोला बहुत मेहनत करी तो ओखरे पास गया मैं बोले अग्रवाल जी मैं रिजल्ट आया थे मैं पहला नंबर तो आ हूँ और सब बढ़िया पेपर गए है पर मोर इच्छा नौकरी करे के नहीं है इंजीनियरिंग के मोर इच्छा आईएएस बने के। अरे हमार मध्य प्रदेश से तो कौन बनबे नहीं करे आज तक कोई आईएएस की किताबें चले वर नहीं आए अब तो ना कैसे ये शौक चढ़ गए मैं उन मुलत शौक चढ़ गए इस में बनना है देव भाई मोला कोनो किताब दो तो मैं इतिहास और राजनीति दो विषय ले और तीन तो अनिवार्य रही और तीनों के फिर मैं बोला कि हूँ भाई पांच विषय है पांच किताब दे मोला तो मैं डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन रही एक श्रीवास्तव जी वो मोला चिन्हत रही काबर स्कूल में आत रहीस कॉलेज में आत रहीस और मोर से प्रभावित रहीस काबर मैं पढ़े में अच्छे रहे हूँ खेले में भी अच्छे रहे हूँ तो मैं ओखर कमरा में गया कि अब मोला का करना है मोला तो आईएएस बनना है और ये बीच में कैसे करूँ अक्टूबर का अक्टूबर का तब बोले यार तैं तो फर्स्ट नंबर आ था तोला कहीं भी लेक्चर लगा दे कहाँ जाबे मैं कहूँ रायपुर अच्छा नजीक पढ़ी रायपुर कर दो तैसे मैं ये इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर वहाँ आके ओकरेच बाद एकदम अप्रैलच में मोला अप्रैल एंड वहाँ मोला लगता है रिजल्ट आई सो इसने मोला बिना इंटरव्यू बिना कोनो चीज के काबर सबसे ज्यादा नंबर रही तो वहाँ कोनो प्रश्न कर नहीं सकते हैं तो मोला फिर यहाँ के मैकेनिकल विभाग में लेक्चर बना के भेज दे और कॉलेज में ज़्यादा नहीं पढ़ाना पड़ती एक पीरियड टू पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा और बाकी समय फ्री रहन तो फिर आईएएस ला तैयारी करन ऐसे करके मोर आईपीएस की तैयारी तो बढ़िया हो गए और परीक्षा हो गई अक्टूबर में और बढ़िया नंबर्स पास हो गए हूँ आईपीएस बन गया तो यहाँ नौकरी छोड़ के आईपीएस बन गया। ओखर बाद यूपीएससी में कब कलेक्टर कब बने आप पर जब मैं मसूरी गया ना ट्रेनिंग बार वहाँ मोर मन बदलीस अच्छा। कैसे बदलीस कि वहाँ आईएएस भी रहे आईपीएस भी रहे और आईएएस वाले हमारा एकदम निचला दृष्टि से देखा
आईपीएस वाले ला, तुमन पांचे विषय पढ़ के आए हो, मन आठ विषय पढ़ के आए, हमन कलेक्टर बनबो तय एसपी बनबे, हम तोर कैरेक्टर रोल लिखबो, तो उमन हम लोग हे भावना से देखा है, तो मोले लगी से यार तुम आईएस बन सकता तो मैं ही बन सकता हूँ, एमा का है तीनों विषय तो पढ़ना है, पढ़ ले हम, तो फिर आईपीएस में रहते रहते मैं आवेदन कर दूँ, टाइम नहीं मिला थ्री तैयारी करी सब कहें कि एक बार आईपीएस के ट्रेनिंग पूरा हो जाए तब बैठ गए, मैं कहूँ नहीं मैं वेस्ट नहीं करूँ, मैं यहीं से बैठूँ, तो मैं जिन लंच ब्रेक मिला है ना थक तो जात रहे हूँ पर वही में पढ़ाई करत रहे हूँ। अच्छा। हाँ और वही में मोर आईएएस की तैयारी हो गए और फिर आईएएस में बैठे वो साल सिलेक्शन 67 के परीक्षा में 68 आईपीएस बने हूँ और 69 के परीक्षा में हिंदुस्तान में 8वां नंबर आ गया। वाह वाह बहुत बढ़िया। 5 लाख आदमी में 8 बोला। आप बता रहे हो कि पहली जब तनख्वाह आपला मिली तो पहली लक्ष्य से अच्छा कपड़ा लेना है आपला, ओकर बारे में बताओ आपला। मैं उस समय का कर रहा हूँ, कमीज मोर हमेशा सफ़ेद रहे, ओकर कारण ये रही कि चाहे दो ठे रहे चाहे तीन ठे रहे, कोनो नहीं जानी कि एक पास दुए ठे कमीज है, तो जब तनख्वाह मिली तो मोर शौक रही कि यार कपड़ा का शौक तो बहुत रही, काबर नहीं पहने लो मिले रही, तो मैं कहूँ पे तनख्वाह ला कपड़े में लगा हूँ। एक किस्सा थे कि जब जहाज लेके राजीव गांधी जी यहाँ आए उस समय रायपुर कलेक्टर आप रहे हो, ओखर बारे में आप बताओ। ओहू मोर जिंदगी के जिन एक बहुत बड़े मोड़ आईस कि आईएएस से मैं राजनीति में आए, ओमा सबसे बड़े योगदान मोर रायपुर कलेक्टर के कार्यकाल रही, काबर मैं यहाँ कलेक्टर रहे हूँ तो राजीव जिला एवरो चलाए बहुत बड़ छोड़ जहाज ली, तो एवरो में चला के आए तो बोला ये रूट के ज़्यादा इच्छा रहत रही, यही में ज़्यादा चला दिल्ली, दिल्ली से इंदौर ग्वालियर, इंदौर नहीं ग्वालियर नहीं दिल्ली इंदौर भोपाल रायपुर, अच्छा ऐसे हॉपिंग फ्लाइट रही और यहाँ रायपुर आके रुका है, दो चार घंटा रुका है, सुबह आ जाए और फिर संझक जाए यही रास्ता में, अच्छा तो दो तीन घंटा वाला रुकना पड़ा और यह वो अपन डब्बा बलात रही सोनिया जी बना के देते रही सैंडविच काफी अला पिया है, तो पुरुषोत्तम कौशिक जी के धन्यवाद अभी नहीं है तो उस समय यही विभाग के मंत्री रही कौशिक जी बहुत अच्छा रही है, तो बोला हाँ इशारा कर दें आज राजीव चला थे ऐसे बोला जी तो नहीं कहते रही ऐसे बोला कलेक्टर साहब राजीव चला थे थोड़ा देखभाल कर ले भाई, और कभी कभी जब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाए कौशिक जी के तो मैं महू चले जाते हैं कमरा, अच्छा हाँ तो मुलाकात हो जाए हाथ मिलान और मुलाकात मालूम नहीं इसकी कभी प्रधानमंत्री बनी वो संजय गांधी का जमाना नहीं तो तब बोले खर पर्सनैलिटी बहुत बहुत सुंदर दिखा वैसे सुंदर आदमी मैं कथम दुनिया में शायद कौन हुई इतना स्मार्ट दिखा पायलट के ड्रेस में गोरा चिट्टा गुलाबी एकदम सुर्ख एकदम और बढ़िया बाल और ओखर ड्रेस में इतना सुंदर लगा कि मोला ओखर सुंदरता प्रभावित करे ओला मोर विद्वता प्रभावित करे और ये 3 साल के कार्यकाल में कई बार मुलाकात हुई और मोला नहीं मालूम रही कि रहीस कि ओला कहूँ सुरता रही अब नियति के खेल चल गए संजय गांधी मर गए इंदिरा जी मर गए वो प्रधानमंत्री बन गए और वो फिर नवा नवा आदमी मान ला दूसर क्षेत्र से जैसे अरुण सिंह ला अरुण नेहरू ला प्राइवेट कंपनी से लाई तो वैसे एक आदिवासी नेता की तलाश करते रहे तो दिग्विजय हमन एक संग पढ़े रहे तो मोर मंत्री जरूर मान गए रही पर मोर ओखर से मैं कलेक्टर रहे हूँ तो आपसी मित्रता के संबंध तो पहले पढ़े रहे साथ तक बने रही तो वो जानत रही मैं बोला कभी बातचीत में बता रहे हूँ कि राजीव गांधी आत रही तो मुलाकात होत रही ओखर दिमाग तेज है बहुत वो अर्जुन सिंह ला बोले एक है नाम हमारे पास ये नाम लेवे
तो वो नाम कट जा और राजीव गांधी कूद के अला लपक ली तो फिर मोर नाम लीस अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह तब पूछिस वही है रायपुर में रही इसका हाँ साहब वही छे आजकल आजकल इंदौर में है अरे अरे बहुत बढ़िया आदमी इसी को लाएंगे यार बोले अच्छा लगाओ फोन कैसे कलेक्टर हो प्रधानमंत्री तो बात करना चाहते दिन भर तो मिलवे नहीं करे तो मैं बोलो भाई मैं गांव के दौरा में रहा हूँ वायरलेस हूँ जरूर खबर आतरी से उस समय मोबाइल के जमाना नहीं है वहाँ से फोन नहीं लगा तो मैं नहीं बात कर पाए अब लौटे हूँ तो बात करा था करा दो बात तो कहाँ बात करा वो बोले अभी अभी उठ के गए है राजीव गांधी जी अपन फार्म हाउस वो तोर बार एक आदेश है क्या आदेश है आप लो अभी इस्तीफा देना मैं बोले क्या भर दो अभी इस्तीफा देना है और 12 बजे दिग्विजय सिंह प्लेन लेके आते वहाँ बैठ के दिल्ली भोपाल जाना है इस्तीफा तुम्हार भोपाल से फॉरवर्ड हो ही दिग्विजय बोला प्लेन से दिल्ली लाही रात में मंजूर हो ही और दूसरा दिन सुबह तो नामिनेशन फाइल करे पहली तोला इस्तीफा मंजूरी के मिल जाही और तोला राज्यसभा बनना मैं क्यों कैसे गोट करा था मैं मोला सोचे कि मौका दे भाई इतना बढ़िया नौकरी कलेक्ट्री करा था और मोला रिजाइन करे वाला वहाँ कोई भविष्य की भरोसा नहीं है कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई तो बहुत लंबा कहानी है वो 2.5 घंटा में मैं काकर से बात कर रहा हूँ फोन आना चालू हो गया फैल के बात सब कोनो बधाई देवत है कोनो कहे मत जाओ कोनो कहे जाओ IAS वाले कहे मत जाओ यार कहाँ राजनीति में फंस गए तो करियर बहुत बढ़िया चला थे ऐसे ऐसे तो मैं अपन सवारी लो ले चल गाड़ी में बैठ यहाँ तो बात करे के मौका नहीं मिला दोनों जन तो बात कर ले वो 12 बजे तक फैसला करना है 2.5 घंटा बच बचे रही तो गाड़ी में बैठ गए सामने भट रही गुजराती ब्राह्मीन वह तो मोर पिए रही स्टेनो जला करते वह कूद के सामने बैठ गया हम दोनों जन पीछे और गाड़ी लेके ऐसे चलन बात करते रहे मैं बोला देख ऐसे ऐसे बात है क्या करना है सुवारी ले पूछे ओहू सकारात्मक बोल दे कि देख भाई मैं तो कॉलेज पेंटिकल कॉलेज में पढ़ा था मोर तनख्वाह उनका ठीक ठाक है अमित लपालक जवाबदारी मोर है तेरे चिंता मत कर कि घर द्वार कैसे चले मैं प्रोफेसर हूँ मैं चला ले हूँ तोला जाए की इच्छा है तो हाँ कर दे मैं रिकावट नहीं दू तब भट बोलिस साहब ये फैसला साईं बाबा करी मैं बोले कैसे वो साईं बाबा भक्त रही कुछ पढ़ी सुढ़ीस साईं बाबा के जाप करीस और एक लॉकेट रखे रही साईं बाबा बोले कि साहब ये फैसला साईं बाबा करी ऐसे करके उछाल दीस अब बोलिस बताओ साईं बाबा फोटो है कि साईं बाबा के जाप जन लिखे रही वो है मैं बोले फोटो है तो ऐसे निकालिस तब फोटो रही बोले अब फैसला हो गए साईं बाबा के आदेश हो गए अब जान करना तब मैं कहा चला एयरपोर्ट चला दिग्विजय सिंह के बैठ के एक कागज में इस्तीफा लिखे सादा कागज में और दिग्विजय सिंह के संग बैठ के प्लेन में भोपाल आए भोपाल एयरपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी सब जना रही बिहाव जब आपकी हुई जब बिहाव फिक्स हुई तो आप उस समय शेड्यूल कलेक्टर रहे हो सीधी कलेक्टर रहे हो आप वो समय आप सीधी कलेक्टर रहे और मैडम जिन है पेंटर रोड में फिर आपने दिखाई गई वो बात ला बताओ कैसे बिहाव फिक्स हुई ओहो बड़ मजेदार किस्सा हवा है तो वो खर फूफी और मोर दाई के मित्रता होगी हर ज़्यादा दूरियाँ नहीं है आस पास मतलब पड़ोसी समझ लो दोनों डोकरी के दोस्ती हो गए और मैं तब तक कलेक्टर बन गया रहा और झूठ नहीं बोला मोर शादी करेगी कोई दूसरी जगह इंतजाम कर ले रहा हूँ प्रेम विवाह के IAS तो मोर माता जी ला थोड़ा पसंद नहीं रही कि इतना वो एकदम जब बोला दिखाएं बताएं तो एकदम दुखी हो गए अंग्रेजी में गुठिया है और हाई फाई रही तो बोली से तो हमारे घर हुआ गाँव में एडजस्ट नहीं हो पाई तो वो खर मन रही कि कोई ज़्यादा शांत स्वभाव के होना चाहिए तो दोनों जन फिर डोकरी डोकरी उठा के तय कर लिए कि ए हमारी बेटी और तुम्हारा बेटा बिहार ना चाहो तो मोला सीधी टेलीग्राम कर दिन और लिख दिन कि माता जी बहुत गंभीर है तत्काल आओ तो मैं दौड़त भागत पहुँचे हूँ
तब मोर माता जी तो एकदम ठीक बैठे रही तो मैं कहूँ आप तो एकदम ठीक हाँ कावर बुला ले अरे बेटा बड़ सुंदर लड़की आए डॉक्टर है अमेरिका के ओकर बड़ प्रसिद्धि हो गए है 8-9 महीना में 200-300 गांव के मरीज मन आते हैं और कोई लोग वापस नहीं करे ऑपरेशन भी कर देते गोली भी देते बहुत सुगर लड़की है और हमन दोनों जनता है करे हैं देख हाँ दोनों जनता करे हैं देख ले तब ओ प्रेम लमा फिर मैं भूल गया माँ के आदेश रहीस तो मैं बोला देख लेता हूँ मन आधा रहीस देख लेता हूँ तो फिर कर घर गए ना समझा दुर्भाग्य से लाइट ऑफ हो गई तब मोला थोड़ा जम गए आप प्रवक्ता भी बने हो अभी वर्तमान में जिन प्रवक्ता आप दिखता हो आप भी प्रवक्ता की बड़े जिम्मेदारी में रहे हो उस समय आप बड़ा अवसर मिली जब आप राजनीति में आ गए तो ओखर बारे में बताओ कि प्रवक्ता में का गुण होना चाहिए मोला ये मालूम है कितना बताना है और कितना नहीं बताना नहीं बताना ये बहुत जरूरी है प्रवक्ता बात ठीक है का चीज बताना है और का चीज नहीं पर जानकारी प्रवक्ता ला पूरा होना चाहिए एक कारण से मैं प्रवक्ता ला ये हमेशा कहता हूँ कि तुम्हार एकदम हेड से जोन भी अध्यक्ष है पार्टी के ओकर से डायरेक्ट संबंध रहना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी से भी सुषमा स्वराज जी से भी वही समय मित्रता हो गई तो जाए डिबेट में तो एक ही गाड़ी में जान हाँ वही मैं जानना चाहता एक गाड़ी में जाओगे और एक ही गाड़ी में वापस आऊँ तो मोला पहले ले फिर मोला ड्रॉप कराओ और फिर तो मोदी जी की तो एक कमरा में रहती है बीजेपी ऑफिस के पीछे क्वार्टर नहीं है लॉटरी से एमपी नहीं रहीस वो मोर पास तो अच्छा घर रहीस हाँ तो जब लौटत रहे तो मैं बोला कहूँ यार तो नहीं हम चाय वो नहीं मिला ये बैठ जा चाय पोहा के शौकीन रहीस पोहा बनवा देते रहे ना कभी कुछ और भजिया उजिया इसे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने के सौभाग्य आप मिलीस ओखर बारे में बताओ वो कैसे बने हो आप शुरू में ऐसे तो नहीं रहीस के नाम नहीं रहीस हो माँ लेकिन फिर आप आए हो फिर बने हो और तीन साल बड़ा गजब मोर प्रवक्ता के जन काम है वो बहुत काम आईस जब छत्तीसगढ़ राज की विधेयक पास हो गए तो जितना पत्रकार टेलीविजन लॉबी रहीस मोरिच पर लॉबी करे पूरा सब नेता के पास जाए अमन के पहुँच रहीस तो मोला कोई ज़्यादा दिल्ली में लॉबी करे की जरूरत नहीं पड़ी माहौल बन गए कि जोगी से अच्छा कोई नहीं हो सके हालांकि मोर ऊपर बहुत बड़े बड़े नेता रही विद्याचरण जी रही श्यामाचरण जी रही मोतीलाल वोरा जी रही आदिवासी में अरविंद नेताम जी और बहुत मतलब कोनो कमी नहीं रहीस कांग्रेस में तो बड़े बड़े नेता रही और कोनो सोचबे नहीं करे रहीस कि मोर नंबर लग सके मोहूला ज़्यादा उम्मीद नहीं रहीस पर इच्छा रहीस ऐसे तो मैं मना नहीं कर सका तो अब ये चीज तो एकदम सीक्रेट है पर बता था आपका कि मोला एक महीने पहले सब लॉबी कर रही एक महीना पहले सोनिया जी मोला बता दे रही मोर से गलती हो गई तो ला बता दे पर ये बात तोर और मोर के अलावा रेनू लवी मोर पत्नी के नाम लेके बोलीस ओहू ला नहीं पता चलना चाहिए सीक्रेट रही तब तो ठीक है मधुबाला आप लोग बहुत पसंद है ओखर बारे में बताओ तो फिल्म बहुत देखे हो मधुबाला क्या आप पर मोर जमाना में दो जन मोर फेवरेट है हीरो में दिलीप कुमार और हीरोइन में मधुबाला ओखर से सुगर चेहरा मोला लगते आज तक भारतीय फिल्म के स्क्रीन में नहीं आए ठीक है जितना सुंदर वो रही और आज भी मैं ओखर बहुत बड़े फैन हूँ और जिन जिन पिक्चर में गाना गाए है सब मोर पास आवे अच्छा जब दौड़ा रहता हूँ तो सुनता हूँ अच्छा लगता है मोला खाए में आप क्या पसंद करते हो जिन आपके फेवरेट डिश हो मैं तो छत्तीसगढ़ी है ठेठ तो पसंद में तो छत्तीसगढ़ी भोजन है जिमी कांदा है मुनगा है बरी है भाजी है रकम रकम के भाजी 50 तरह के भाजी खाओ आजकल खेक्सी आते हैं पुटू आते बोड़ा आते पीली आते यही चीज़ मोला ज़्यादा पसंद है
जोगी जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा सुघर बात आप बताए, वैसन बात बताए मोला ऐसे लगते कि बहुत झन जन है नहीं जानत हुई और देसी टॉक के माध्यम से उमल्ला जाने के मौका मिली। आपला गाड़ा गाड़ा धन्यवाद देवत हूँ, बड़ा अच्छा इंटरव्यू ले हम ओहो लोग खुश कर दे हाँ, कोनो ऐसे व्यक्तिगत सवाल पूछे हो बहुत कम जन ऐसे पूछे हुए, और आप लोग मैं दिल खोल के सब सब गोठ लम आप लोग बता दे हूँ। मोर ये उम्मीद है, दो तरह की उम्मीद है कि कोनो कोनो एखर से प्रेरणा ले सकते हैं, और कोनो कोनो जिन छत्तीसगढ़ी आवाज़ में चला था छत्तीसगढ़िया की भलाई के वो तरफ आकर्षित हुई ये इंटरव्यू लोग देख के, ये मोला पूरा उम्मीद है। आप बहुत बढ़िया मोर इंटरव्यू ले हा, जेना मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी में वन ऑफ माई बेस्ट इंटरव्यूज आप ले हा, एक हर बार आप ला फिर से मैं धन्यवाद धन्यवाद देवा।